नमस्कार, एसटीवी न्यूज पर आपका स्वागत। अब नजर डालेंगे फटाफट खबरों की तरफ। नई गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने को कसी कमर। जिला प्रशासन ने बनाई रणनीति। शुक्रवार से शाम 5 बजे बाजार और 4 बजे सरकारी दफ्तर होंगे बंद। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। शहरी और नगरीय क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन रखेगा विशेष नजर। महामारी की मार से फिर गड़बड़ाया शिक्षण सत्र। ई लर्निंग को लेकर शिक्षा अधिकारियों ने किया चिंतन। कलेक्ट्रेट में शिक्षा अधिकारियों की हुई वीसी। 6 मई से प्रस्तावित बोर्ड एग्जाम हुए स्थगित। 20,000 वैक्सीन की सप्लाई के बाद विभिन्न केंद्रों पर लगाए टीके। सुभाष चौक डिस्पेंसरी और कालाकुआ अस्पताल में भी हुआ वैक्सीनेशन। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने करवाया टीकाकरण। पिछले कुछ दिनों से डिमांड के मुकाबले कम हो रही थी आपूर्ति। कंटेनमेंट जोन के मरीजों की 24 घंटे होगी मॉनिटरिंग। डिप्टी सीएमएचओ ने ली समीक्षा बैठक। प्रभारी अधिकारियों और नर्सिंग स्टाफ को दिए जरूरी निर्देश। हर रोगी को एक प्रभारी अधिकारी के मिलेंगे मोबाइल नंबर। रात के वक्त परेशानी पर संपर्क कर सकेंगे पॉजिटिव मरीज। घर में पॉजिटिव मरीज होने पर आइसोलेशन की दी सलाह। एसटीवी की जागरूकता मुहिम में किया सचेत। सुभाष चौक डिस्पेंसरी के प्रभारी डॉक्टर फूल चंद ने की अपील। सोशल डिस्टेंस और मास्क का लगातार ख्याल रखने पर भी दिया जोर। निमराणा में प्रशासन ने सीज किए 2 जिम। गाइडलाइन का उल्लंघन कर जारी था संचालन। एसडीएम ने पुलिस जाब्ते के साथ की कार्यवाही। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों के काटे चालान। गणगौर पर मांगी कोरोना को दूर भगाने की दुआ। महल चौक से इस बार नहीं निकली शाही सवारी। वहीं महिलाओं ने अपने मोहल्लों बस्तियों में सवारी का किया आयोजन। साथ ही घर में ईसर पार्वती का भी हुआ पूजन। भाजपा पार्षदों ने जल संकट के खिलाफ खोला मोर्चा। जलदाय कार्यालय पहुंचकर बताए वाड़ों के हालात। राइजिंग लाइन के अवैध कनेक्शन नहीं हटाने पर जताया रोष। वहीं श्रम राज्य मंत्री को ऐसे कनेक्शनों पर कार्यवाही का वादा दिलाया याद। बाइक सवार फौजी की सड़क हादसे में गई जान। रूपबाग पुलिया पर सामने आया हादसा। ईटा राणा कैंटीन से लौटते वक्त कार ने मारी टक्कर। झोपड़ी गांव का निवासी था मृतक जमशेद खान। सफाई कर्मचारियों को अन्य कार्यों में लगाने पर जताया रोष। सफाई मजदूर कांग्रेस ने नगर परिषद आयुक्त को दिया ज्ञापन। सिर्फ वाल्मीकि कार्मिकों से सफाई करवाने पर जताया विरोध। वर्ष 2018 में हुई थी इन कर्मचारियों की भर्ती। कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। भिवाड़ी में रीको चौक के समीप सामने आया अग्नि हादसा। बंद फैक्ट्री में स्थित है यह गोदाम। दमकल वाहनों ने बमुश्किल आग बुझाई। श्रेष्ठ कार्य करने वाले लैब तकनीकी कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला। सीएमएचओ ने प्रशस्ति पत्र किए प्रदान। कुल 25 कर्मचारियों का लैब टेक्नीशियन दिवस पर हुआ सम्मान। कोरोना नियंत्रण में अहम भूमिका निभा रहे हैं यह कर्मचारी। स्कूल शिक्षा परिवार ने टीसी के बिना प्रवेश पर रोक की उठाई मांग। मुंडावर में कांग्रेस सचिव ललित यादव को दिया ज्ञापन। साथ ही मांगा आरटीई का बकाया भुगतान। प्रदेश कांग्रेस सचिव ने मांगों को सरकार तक पहुंचाने का दिया आश्वासन। सड़क निर्माण का गलत बोर्ड लगाने से पैदा हुई गलतफहमी। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरोड़ कला के बजाय बोर्ड पर सरोड़ खुर्द का नाम किया अंकित। जबकि सड़क निर्माण के लिए सरोड़ कला का हुआ था सर्वे। राजवाड़ा पंचायत के जोड़ में किया श्रमदान। जल शक्ति व स्वच्छता अभियान के तहत हुआ आयोजन। मुंडावर के विकास अधिकारी और क्षेत्रीय सरपंच रहे मौजूद। जोहड़ में बारिश के पानी की अब हो सकेगी आवक। अंबेडकर प्रतिमा स्थापना को लेकर जारी हुआ अनशन समाप्त। कला कॉलेज प्राचार्य ने जल्द समाधान का दिलाया भरोसा। महीनों से कपड़े में लिपटी रखी है यह प्रतिमा। अंबेडकर जयंती से पूर्व स्थापना की पूरी नहीं हुई थी मांग। मुंडावर में कोरोना जागरूकता को लेकर एसडीएम ने ली बैठक। व्यापारी और जागरूक नागरिक रहे मौजूद। कोरोना को हराने में की सहयोग की अपेक्षा। गाइडलाइन के नए प्रावधानों की दी जानकारी। फटाफट खबरों में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।